हे गाइस, हेलो एवरीवन, राम राम सभी को आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आईना ब्लॉग। तो ये ब्लॉग मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, ऑलमोस्ट शायद दिवाली पे बनाया था और वो भी छोटा सा शॉर्ट वीडियो ही था बस, उसके बाद तो नहीं बनाए। तो अभी हम आए हैं जगन्नाथ के दर्शन के लिए, अभी रात का टाइम है, अभी हम पहुँचे हैं तो भुवनेश्वर में रुके हैं हॉलीडे होम्स में। दिखाती हूँ हॉलीडे होम का भी व्यू लेते हैं अभी। और यहाँ पे कुछ आसपास मंदिर हैं तीन चार, अभी एक मंदिर में जा पाएंगे वो दिखाती हूँ। और चलो फिर आ जाओ हॉलीडे होम देखते हैं, बहुत साफ सुथरे और बहुत अच्छे हैं। देखो ये तो है बाहर का व्यू, और अभी चलते हैं अंदर देखते हैं, आ जाओ। ये है हमारा रूम जिसमें हम रुके हुए हैं। आज है डे टू, आज हम जाने वाले हैं जगन्नाथ पुरी और अब हम रेडी हो चुके हैं चलने के लिए। चलते हैं वहाँ पे, यहाँ से टाइम लगेगा, भुवनेश्वर से टाइम लगेगा शायद 1 या 1.5 घंटा, अभी देखते हैं रास्ता कैसा है कैसा नहीं है, फिर वहाँ पे जाके फिर मिलती हूँ और फिर वहाँ पे दिखाते हैं। अगर फ़ोन ले जाने दिया तो फिर हम फ़ोन लेके जाएंगे, अगर नहीं ले जाने दिया तो फिर फोटोज़ ही दिखाऊंगी कैसा है और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। हेलो भाई, अब हम हो गए हैं रेडी चलने के लिए और चलते हैं अब हम, अब जाएंगे, हमें शायद 1 या 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगेगा चलने के लिए। तो सीट तो साफ कर, देखो मेरे ड्राइवर के काम कैमरामैन के, सॉरी। चलो भाई, ईब हम बैठ लिए हाँ और चालन का ही तैयार हो लिए हाँ, कति लो इनके भी दर्शन करने जरूरी है व्लॉग में। चलो तो अब वहीं पे जाके मिलते हैं, अभी हम चले हैं, 7:30 का टाइम हो चुका है, देखते हैं अभी वहाँ पे कितनी देर में पहुँचेंगे और रास्ते का भी बताऊँगी कैसा मिला, और चल के फिर वहाँ पे मिलते हैं। हे गाइस, हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, सुबह पहुँच गए थे, अभी हम दर्शन करके वापस आ गए, अंदर कोई फ़ोन वगैरह कुछ अलाउड नहीं था और हम 7:30 बजे चले थे और 9 बजे हम पहुँच गए थे, 7:30 बजे चल के 9 बजे हम पहुँच गए थे। मैं दिखाती हूँ आपको, यहीं बाहर से ही दिखाती हूँ, ये जो है यहाँ पे हम अपना लगेज दे सकते हैं, ये है लगेज का और ये है मंदिर। फोन अलाउड नहीं था और लगेज वगैरह भी यहीं पे ही रख सकते हो, और कुछ भी अलाउड नहीं था, शूज लगेज वगैरह सब कुछ, तो अभी बस फोटो बाहर से ही ले सकते हैं। वहाँ से जाके अब हम आए हैं चिल्का सॉल्ट लेक, तो अब हम यहाँ पे बोटिंग करते हैं और दिखाती हूँ कि कैसा है, आ जाओ फिर। ये अभी भी उलझे हुए हैं। वो अपने दोनों वहां पे खड़े हैं, वो सारी लाइफ जैकेट पहन के आएंगे दोनों। देखो अब हम हो गए तैयार डुबकी लगाने के लिए। चलते हैं अब, ये आ जाओ आंटी, चलो देखते हैं ये भी कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। मनु आपकी किधर है, आपको नहीं है जरूरत? तीरथ हो गए अब आप तैयार, क्या हुआ? चलो देखो ये मेरी फोर्स है, पूरी रेडी हो चुकी है, बस ये डर है कभी फोन ना गिर जाए हाथ से। ये डॉल्फिन पॉइंट है यहाँ के, यहाँ
अपने लेक के बीच का। एक्सपीरियंस देखते हैं सबका। हाँ जी बताइए। चलो औरों से भी पूछते हैं अभी कैसा एक्सपीरियंस है सबका। चलो देख मनु किधर है। सीरत आप बताओ कैसा लगा आपको। अच्छा लगा। मनु किधर है। क्या क्या देखा वहाँ पे। मनु बताओ। बस मैंने देखी थी डॉल्फिन। आए मनु क्या था बताया क्या। ये है हमारे मनु। देख के तुम्हें पता लग गया होगा कि कैसी हालत हुई है बोटिंग करके। और सब का भी दिखाती हूँ देखो सबकी हालत है। अनु क्या था वहाँ पे बता तो दो। क्या देखा है। ये है हमारे मनु की हालत। बोटिंग के बाद हमारा मनु ऐसा था